हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। वीडियो नंबर 12 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को पता है 15 वीडियो की सीरीज चल रही है, वीडियो नंबर 12 तक अपना कारवां पहुंच गया है। आई होप आपने सारे वीडियो देख लिए होंगे, पसंद कर रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार दे रहे हैं। आज का वीडियो नंबर 12 है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पूरा डिस्कशन होने वाला है। 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर का 6 मार्क्स में बनता है तो देखेंगे, नहीं तो इसमें आपको 6 मार्क्स की जगह भी खाली मिल रही है। दैट मीन्स इस चैप्टर में से इस साल 6 मार्क्स का नहीं बनेगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं 1 मार्क्स में से ईडीपी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम 1 मार्क्स इज स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीपी प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप टैलेंट को क्रिएट करना हो सकता है, राइट, स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप करना होता है, बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर डेवलप करना है, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। तो ईडीपी प्रोग्राम के यहाँ पर कितने लिखने हैं, एनी 2 ऑब्जेक्टिव लिखने हैं ईडीपी प्रोग्राम के, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगर थोड़ा सा चैप्टर को ब्रीफ करूँ तो ये चैप्टर बताता है कि जो ईडीपी प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर प्राइवेट एजेंसी के द्वारा चलाए जाते हैं, ये नॉर्मल सी बात है, ये उन स्टूडेंट के लिए हैं या उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हैं जो एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम या सेमिनार की तरह है जहां पर उनको टूल्स, टेक्निक और मेथड सिखाए जाते हैं कि आपको फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर अगर बिजनेसमैन बनना है तो आप कौन कौन से तरीके, कौन कौन से मेथड्स आप एम्प्लॉय कर सकते हैं। और ईडीपी जब ट्रेनिंग आपको मिलती है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप बनने की सोचते हैं या फिर आपको एंटरप्रेन्योर बनने में बिजनेसमैन बनने में मदद करते हैं, तो इससे जॉब क्रिएशन होता है। बहुत सारे एडवांटेज हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे अपन, राइट। सेकंड क्वेश्चन, स्टेट एनी 1 डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। अब ये दोनों अलग अलग चीज़, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब होता है एक बिजनेसमैन की नॉलेज और स्किल जिस हिसाब से वो बिजनेस को चला रहा है, मैनेजमेंट करना स्पेसिफिक है चीज़ों को मैनेज करना। मैनेजर इज अ पर्सन हु इज बीन एम्प्लॉयड इन ऑर्डर टू मैनेज द थिंग्स और गेट द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो यहां पर एंटरप्रेन्योरशिप एक एबिलिटी है, स्किल है, नॉलेज है एक बिजनेसमैन की जिसके थ्रू वो चीजों को मैनेज कर रहा है। मैनेजमेंट स्पेसिफिक हो गया चीजों को मैनेज करने का तरीका, राइट। थर्ड देखते हैं, हाउ डू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज कैसे होती है ईडीपी के थ्रू। अब नॉर्मल सी बात है, ईडीपी में या ईडीपी की ट्रेनिंग लेने वाले जो भी कैंडिडेट होंगे, जो भी पर्सन होंगे, जो भी एम्प्लॉयज होंगे, वो कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, अगर 100 लोगों ने भी ईडीपी की ट्रेनिंग ली है उसमें से 20 लोग तो कहीं ना कहीं अपना बिजनेस खोलेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो उन 20 लोगों के बिजनेस स्टार्ट करने से समाज में, सोसाइटी में, सिटी में, कंट्री में रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटियां बढ़ेगी, जिसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी ईडीपी के थ्रू। तो ईडीपी प्रोग्राम हेल्प करता है समाज में, सोसाइटी में रोजगार को, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में। मेकिंग सेंस हो रहा है, क्लियर। तो ये 3 क्वेश्चंस बनने के बहुत बहुत चांसेस हैं इस बार, राइट। 2 मार्क्स में देखते हैं, वाई आर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कंसिडर टू बी द पिलर ऑफ बैलेंस डेवलपमेंट, कंसिडर टू बी द पिलर ऑफ बैलेंस डेवलपमेंट। अब ये होता क्या है बैलेंस डेवलपमेंट, मतलब आपके जो अर्बन सेक्टर है, मतलब शहरी, और जो रूरल सेक्टर है, गांव का सेक्टर है, दोनों जब इक्वली डेवलप्ड हों। तो ईडीपी प्रोग्राम के थ्रू जो ट्रेनिंग के लीडर होते हैं, जो ईडीपी प्रोग्राम कंडक्ट करा रहे हैं, उनका मोटो रहता है कि किसी भी कंट्री में या इंडिया की अगर बात करें तो गांव का क्षेत्र और शहरी जो क्षेत्र है दोनों में विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, वो इक्वल हो। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है उनको मोटिवेट भी करा जाता है कि वो अपनी जो एंटरप्राइजेस हैं, बिजनेस हैं, कहीं ना कहीं गांव दराज में भी खोलें। मतलब उनको ट्रेन कर दिया जाता है कि अगर आप रूरल सेक्टर्स में भी खोल रहे हो जहां पर अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी है और प्रॉफिट कमाने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, तो एक एंटरप्रेन्योर को तैयार करा जाता है, बिजनेसमैन को तैयार करा जाता है कि वो शहर के साथ साथ गांव में भी एंटरप्राइजेस खोले ताकि शहर और गांव दोनों इक्वली डेवलप्ड हो पाए। दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि गांव में भी बहुत सारे पॉपुलेशन है जिनको जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि शहर में आके वर्क कर सकें। तो एक ये ईडीपी प्रोग्राम के थ्रू जो भी बंदा तैयार होगा, ट्रेन होगा,
वो गांव में जाके बिजनेस कर सकता है और गांव में प्रोडक्शन यूनिट खोल सकता है, हो सकता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी मेन चीज़ है उसकी वो शहर आके करें, लेकिन वो अपनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह गांव रूरल सेक्टर्स में भी डेवलप कर सकता है, राइट। तो ये है अपना, इसकी वजह से पिलर ऑफ बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह रहे हैं कि अगर ईडीपी प्रोग्राम इफेक्टिवली लॉन्च होगा, बिजनेस की समझ बांटी जाएगी, शेयर करी जाएगी, एजुकेट करा जाएगा बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में लोगों को, तो इससे बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है किसी भी कंट्री में। मेकिंग सेंस, हो रहा है क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईडीपी इन द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। सिमिलर वही चीज है कि स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री ज्यादातर गांव में होती है क्योंकि यहां पर स्मॉल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, तो ईडीपी प्रोग्राम लोगों को तैयार करते हैं कि वो गांव दराज में भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलें और वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट या रोजगार प्रोवाइड कराएं, राइट। तो ईडीपी के थ्रू, अच्छा, गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि गांव में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खुले, तो ईडीपी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज या प्लानिंग इंप्लीमेंट करने में भी हेल्प कर रही है। इंपॉर्टेंस में आपने पॉइंट पढ़ा होगा कि ईडीपी प्रोग्राम गवर्नमेंट की प्लानिंग और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में भी हेल्प करते हैं, तो इसके थ्रू स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप्ड हो रही है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट है और फैसिलिटी में भी प्रोवाइड कराते हैं। दैट मीन्स ईडीपी प्रोग्राम उनको हेल्प भी करता है वहां पर इंडस्ट्री सेटअप कराने में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स की हेल्प प्रोवाइड कराने में, जो भी उनको पानी बिजली वगैरह की समस्या आ रही है उनको साथ उनको सॉल्व करने में, तो ईडीपी प्रोग्राम कहीं ना कहीं असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है उस एक इंडस्ट्रियलिस्ट को या एक बिजनेसमैन को कि आप स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज खोल पाओ गाँव वगैरह में, राइट। हो रहा है, तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। दो, अगर आपने क्वेश्चंस के टाइप देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंस में से ही बन रहे, तो आपको इंपॉर्टेंस जो है ईडीपी की वो अच्छे से लर्न करनी है क्योंकि उन्हीं के पॉइंट में से ही घुमा फिरा के आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट रोल डू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम प्ले इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम। अब ये भी उसी का इंपॉर्टेंस का ही पॉइंट बन गया कि ईडीपी प्रोग्राम गवर्नमेंट की जो प्लानिंग और पॉलिसीज होती हैं उनको इंप्लीमेंट करने में कैसे मदद करते हैं। देखिए, नॉर्मल सी बात है, गवर्नमेंट ने तो प्लानिंग कर दी या पॉलिसी बना दी कि रोजगार बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, जॉब्स ज़्यादा क्रिएट करने हैं। क्रिएट करने वाले कौन हैं? ये एंटरप्रेन्योर ही हैं जो जॉब क्रिएट करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर एक गवर्नमेंट की जो स्कीम्स वगैरह है उनको इंप्लीमेंट करने में भी हेल्प करता है। जीएसटी इंप्लीमेंट कर दी लेकिन लागू किन में हो रही है? एंटरप्रेन्योर्स में हो रही है। एंटरप्रेन्योर्स को टैक्स भरना पड़ा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह। तो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह होती हैं उनको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने का काम भी एक एंटरप्रेन्योर का ही होता है। डिसइन्वेस्टमेंट की स्कीम आपने सुनी होगी जहां पर लॉस मेकिंग गवर्नमेंट कंपनी के शेयर प्राइवेट सेक्टर्स को बेचे जाते हैं, उसमें भी ईडीपी प्रोग्राम हेल्प करता है ट्रेन करने में, गवर्नमेंट की जो नई रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, उनके साथ अवेयर करने में लोगों को ईडीपी प्रोग्राम आपकी हेल्प करता है। लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट है उनके क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ट्रेड को रिलेटेड हो सकता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड हो सकता है या किसी भी मशीन या इक्विपमेंट से रिलेटेड हो सकता है। तो अगर आपको ये नॉलेज नहीं होगी क्या चीज़ बैन है, क्या चीज़ अलाउ है, क्या चीज़ एक्सपोर्ट फ्री है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या हैं, तो ये सारी जो टेक्निकल नॉलेज होती है ये आपको ईडीपी ही अपने ट्रेनिंग के थ्रू इम्पार्ट करता है या प्रोवाइड कराता है, राइट। तो ये हैं अपने स्कीम्स वगैरह। 4 मार्क्स में बनता है क्वेश्चंस। इलुसिडेट मतलब एक्सप्लेन ही होता है, तो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड्स वगैरह दे देते हैं, टेक्निकल वर्ड्स। इलुसिडेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ईडीपी इन द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। अब इसमें से सिंपल सी इंपॉर्टेंस लिखनी है ईडीपी की। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करती है, स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करती है, एंटरप्रेन्योर्स के डाउट या उनके प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताती है बिजनेसेस के, बहुत सारे बेनिफिट्स बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की हेल्प करती है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में, इकोनॉमिक को डेवलप करती है, जीडीपी बढ़ाती है। तो कहीं ना कहीं सारी इंपॉर्टेंस अपन को नोट डाउन या जॉट डाउन करनी है 4 मार्क्स में, एटलीस्ट 1 पेज भरना है तो एटलीस्ट 6 पॉइंट लिख के आने हैं इसमें, राइट। तो ये है अपना ईडीपी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स में, 6 मार्क्स में इसका नहीं बनता है इस चैप्टर में से, तो आप रेस्ट एश्योर रहिए आपको दिखने को नहीं मिलेगा 6 मार्क्स का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए, पॉज कर सकते हैं वीडियो को और नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी क्वालिटी में अगर थोड़ी दिक्कत आ रही है आपको तो एक ऑप्शन रहता है ऊपर, आप हो सकता है 360p में देख रहे हो, 720 में आप देखते हैं वीडियो को तो बिल्कुल क्लियर दिखेगी आपको स्क्रीन, तो आप
अगर दिक्कत आ रही है इनके 360 में भी आपको क्लियर दिख ही रहा होगा, अगर आप फुल स्क्रीन में देखते हैं तो ये पॉज करके देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, सॉल्यूशन मैंने डिस्कस कर ही दिया। इन केस फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है, कमेंट करिए, जो भी आपको दिक्कत हो रही है मैं आपको वहीं अपना रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक आपने कर ही दिया होगा, अगर पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच। Thank you.